इसको कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा अभी। ओए, वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए। शुक्रिया। Hey family, welcome to our new vlog. तो अभी हम लोग लेकर आ गए हैं वो वाला व्लॉग जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। इन गेस्ट का नाम है मिस्टर पप्पू। व्हाट्स अप मिस्टर पप्पू? क्या पप्पू, मेरा नाम पप्पू कब से रख दिया है? री व्लॉग्स देखते हैं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे री व्लॉग्स में एक बंदा बड़ा अच्छा लगता है, उसका नाम संजय दत्त है। ओह क्या मजा आता है, मैं कहता हूँ वो बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, क्या बंदा है, मैं कहता हूँ उसको आप ना पीसी ला के दो अभी के अभी। पप्पू जी बस बस, अगर आप नहीं आए इसका मतलब ये नहीं बैठे बोली जाओ। तो पीसी चाहिए यार, पीसी ला के दो अभी के अभी। अबे यार पप्पू चुप, कितना बोलता है पप्पू। सो फैमिली, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा व्लॉग, तो शुरू करते हैं हमारा व्लॉग विद मिस्टर पैसे। पैसे नहीं था यार, ये नया ट्रेंड चल रहा था, हमने सोचा ये भी कर लेते हैं। मैं चाहूं कब तेरा तेरा हो जाऊं, हे 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 हे। फैमिली, हम लोग मम्मी और पापा पे प्रैंक करने वाले हैं। उनको लग रहा है कि हम लोग उनपे यू नो डेट प्लान कर रहे हैं उनके लिए और कितना कुछ कर रहे हैं, बट नहीं, हम लोग संजय को मिट्टी के अंदर डालने वाले हैं, यहाँ तक दबाएंगे। ये काफी पॉपुलर प्रैंक है तो हमने सोचा हम भी कर लेते हैं। सो लेट्स डू दिस। सो फैमिली, थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है, अब संजय नहीं अंदर जाएगा क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा ही खोदना पड़ेगा, दीक्षा जाएगी। पापा को बुला रहे हैं, लेट्स गो। और दीक्षा तब तक मम्मी को तैयार कर रही है, तो ये सरप्राइज आपके लिए, ओपन योर आईज। और मैं चाहता हूँ कि हमने ये एक एक चीज स्पेशल रखी है, लेकिन स्पेशली छुपा के रखी है, तो एक एक चीज खोल के देखें। संतरा खोल के देखो, इसमें क्या है? नहीं, इसमें नहीं, ऐसे नहीं, मतलब एक एक चीज खोल के देखें। और ये स्पेशल, ये स्पेशल हमने बनाई है, गो। कैसी लगी आपको? मैं निकाल रहा हूँ। मम्मा नहीं, डूडी 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 मेरा फेस है। गाइस प्लीज निकाल दो मुझे, मेरा गोटा। सॉरी, मुझे क्या बोला तेरा गोटा कहाँ पर? अबे लग गई कहीं, सॉरी मैन। बता, ये प्रैंक वर्थी था? ये वर्थी पापा के लिए, मेरे पे बहुत बड़ा प्रैंक हो गया है। फैमिली, ये लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, तो मैंने सोचा आज क्यों ना इन दोनों को मौका दिया जाए कि ये आपस में लड़े और हम, यानी कि मैं और आप सब लोग एंजॉय करें। सो आर यू रेडी टू रोस्ट ईच अदर गाइस? यार मैं इसको क्या बोलूंगी, मैं दो ही चीजें पता है इसके बारे में। गाइस मुझे रोना नहीं है, मैं पहले कह दूं। ये तुझे स्ट्रांग बनना है। तो बड़े भाई के नाते मुझे इनकी लड़ाई शुरू करवाने का ये अवसर दिया गया है। तो दीक्षा, तुझे पता है कल ये बोल रहा था कि दीक्षा का नाक जितना बड़ा है उतना ही मोटा है। खुद को देखे, जितना ही बड़ा है उतना मोटा है। इतना ही बड़ा है तो फिर तो मेक सेंस ना, मैं बड़ा हूं। लोग भी आके फैमिली व्लॉग में हमें फैन मिल रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ये मोटा है। संजय भैया ना मोटे हो गए, शर्म कर। मैं फैमिली शर्म कहानी, फैमिली शर्म कहानी, तू रोश में फंबल मार रही है, तो कोई और इसको शर्म आ रही है। एक एक करके बोलो, रुको, फैमिली फंबल मार रही है इसको, एक एक करके होगी। फिर वो रोती रहती है, फिर उसका पता क्या होता है, जब ये रोती है ना इसका नाक खुल जाता है, जब खुलता है ना
गो फॉर इट। तो क्या हुआ, बड़ा हुआ? लोग फिर भी मुझे पसंद करते हैं। तेरे यह करना बालों जो सिकरी लेके घूमता है। ओ बालों में सिकरी। Listen, जो सिकरी होती ना, it's a natural snowfall. Like you don't have to wait till December, January, man. जुलाई में मैं सोची ये बना, मैं अब भी क्या बिस्तर डालता था लोगों को। ये जो मुझे कहते रहते ना, बो आती, इसमें से आती है ना, 10-10 दिन ब्रश नहीं करता, इसमें इतनी बो आती है ना, मतलब बंदा पास में बैठ नहीं सकता। I have to give a little break, यार। इतने ब्रेक ही इसके दांत ही पीले हुए हैं। ये वो कोई बात नहीं। Don't you think too much break? जब खाना खाते हैं ना, ये ऐसे लग रहा है, ये खाना नहीं खा रहा, इसके दांत खाना खा रहे हैं। तुम मोटी अभी रो। मैं मोटी नहीं हूँ। हाँ देखो इसके चिप्स चिप्स ये करेगा अबे लिप्स को चिप्स बोल रहा है। कितनी भूख मची है। सो फैमिली अब हम लोग प्रैंक करने जा रहे हैं मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड साहिल को। अब प्रैंक क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि मेरे जो भैया अशोक भैया, तो ये है अशोक भैया और ये मेरे बचपन के, हम लोगों ने इतने साथ में काम किए हैं, तो आज हम इनके साथ मिलके करने जा रहे हैं प्रैंक। फैमिली प्रैंक ये है कि वो एक लड़की के पेरेंट्स, जी हाँ, पापा बन के जाने वाले हैं और इनको जाके डांट पड़ने वाली भर भर के। मैं उसको डांट सकता हूँ, मेरी शक्ल देखिए, मैं कितना हंसमुख। नहीं आप गुस्से में दिखाएं, पहले गुस्सा दिखाएं। मेरे गाल सुनो एक मिनट। देखती इट्स वेरी इजी। तो हम लोग जाने वाले हैं और प्रैंक करने वाले हैं, सो लेट्स सी होता क्या। आप बताओ कि किस किस लेवल तक जा सकते हो आप आज। मैं इस लेवल तक जा सकता हूँ कि मैं उसका निकाल सकता हूँ। फैमिली अशोक भैया बनने जा रहे हैं फादर उस लड़की के जिससे साहिल बात किया करता था काफी देर पहले, और आज का प्रैंक पॉसिबल हो पाया है साहिल के बड़े भाई राहुल की वजह से। सो थैंक यू राहुल एंड लेट्स गो। साहिल जानता किन्नु? अरे आपको पता है कौन है? क्यों है अंकल? वो मेरी बेटी है। आप जब चाहोगे उससे बात करोगे, जब चाहोगे उसको छोड़ दोगे, आपसे चैट करोगे, कभी बंद कर दोगे, कभी उससे। ये क्या हो रहा है? मम्मी कहाँ आपके? अंदर है। बुलाओ उनको। मेरी तो बात हो गई। बुलाओ उनको, मम्मी को बुलाओ। दो साल हो गए, दो साल में आपने फिर छोड़ा क्यों उसको? छोड़ोगे मैं कोई रिलेशन में था? रिलेशन में थे, मुझे नहीं पता। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मेरी बेटी है वो, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। गलत किया उसको, फोन करूं बुलाऊं? प्लस को बुला लो। फिर क्या क्या बुला लो? बुला लो। मैंने कोई गलत किया? गलत किया या सही किया ये बताओ। तू उसके साथ में था क्या? मैं दो साल पहले क्या करता था उसके साथ? चैट में किए, नॉर्मल चैट की मैंने। क्या नॉर्मल चैट की है? जैसे नॉर्मल चैट होती है उसका मैसेज आया हेलो है वही बस। फिर बस फिर क्या? हेलो है वही बस। हाँ जी दिखाऊं क्या चैट हुई तुम्हारी? दिखाओ। ऐसे नहीं दिखाऊंगा। दिखाओ आपसे ये तो दिखाओ। ऐसे नहीं दिखाऊंगा, सबके सामने दिखाऊंगा मैं। आपको कैसे मेरा घर पता लगा? नहीं मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जान सकता हूँ। कमिश्नर ऑफिस में मैं होकर आया हूँ सब कुछ। चलो अंकल चलो, मैं ऐसे आओ फिर मेरे साथ चलो। चलो साथ छोड़ो। ये हाथ नहीं है, ये हाथ अगर पकड़ लिया ना तो पकड़ लिया। अच्छा इतने जो चलो ऐसा करो, अपनी मम्मी को बुलाओ। बुलाओ इन्हें, मैंने नहीं अंदर आना। बुलाओ तुम बताओ ना उनको, बताओ बताओ। मैं क्या बताऊँ, मेरा कोई उसके साथ चक्कर? मेरे भाई मेरी बात सुनो, चक्कर है तभी तो मैं आया हूँ, तभी तो एड्रेस पता करके आया हूँ तुम्हारे पास, तभी तो आया हूँ मैं। इससे पूछो कौन है, पूछिए इनसे, पूछिए पूछिए। मामने क्या लेना? क्यों नहीं लेना? तू इतना जवान हो गया, इतना बड़ा हो गया, माम से भी ऊपर हो गया, तू मामने क्या लेना? आप उनके फादर, उसके फादर हो ना? क्यों आपको क्या लगता है मैं फादर नहीं हूँ उसका? हो ना, मैंने ये पूछा, ये नहीं पूछा हो। नहीं इसको मैं क्या, मैं सर्टिफिकेट दूँ तुझको? नहीं आपकी मम्मी है और साथ वाले पड़ोसी। नहीं नहीं आपकी मम्मी है, ये आपकी मम्मी है। हाँ मम्मी तो आपको सर्टिफिकेट देंगे? नहीं आप सर्टिफिकेट नहीं, अंदर नहीं आऊंगा मैं। मालूम नहीं कुछ भी थे ये, क्या आप बच्चे को समझाओ ना। समझा देंगे। क्या समझा रहे हो आप? उसका उसका फोन देखिए, उसकी फोन देखिए, चैट देखिए, उसकी कान पकड़ के सॉरी बोल। सॉरी किस बात के लिए बोलूं? मैं गलत हूँ तभी बोलूंगा। तुम उसके साथ थे, मम्मी से बोलो उसके था। आप बोल रहे थे ना कि मैं दो साल पहले उस समय चैटिंग में था। हाँ था मैं तो वो बोल। पूछो ये बताइए लड़कियों के साथ ऐसा करेगा ये? वो मेरी बेटी है ठीक है, अगर आपकी बेटी होती तो ये, अगर मेरा बेटा ऐसे बोलता तो आपको अच्छा लगता? ये कैसे बोल रहा है? इसको कान पकड़ कर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा अभी। गलत है तू, गलत है बस।
मैं फादर हूँ उसका, इसलिए कान पकड़ माफी मांग, क्योंकि मैं उसकी बदनामी नहीं करना चाहता। कान पकड़ मैंने कौन सा कुछ किया जो जो कुछ किया मुझे क्या पता, तुम बताओगे रोला डालोगे मैंने ये किया वो किया। चलो नहीं, सॉरी नहीं, मुझे कान पकड़ कर माफी मांगनी पड़ेगी। कान पकड़ कर ऐसे भी मैं माफी मांगूंगा। तो ठीक है फिर मैं बुला लेता हूं। चल मांग ले साठ साठ किस बात के लिए मांगू मैं भी नहीं गल सुनो मेरी ना तुसी देखो इधर ऊंचे रोला पान लगे जे तुसी किस बात का रोला पान लगे तुसी सड़क अंदर के गल करो तुसी क्यों अंदर के गल करा मेरी कुड़ी नाल घूमदा फिरदा वा चलो छोड़ो नहीं तुसी आराम नाल गल करो तुसी लोग सारे रोला पांदे जे नहीं मेरे साथ चल नहीं नहीं बाहर चल तू मेरा बेटा है आंटी आंटी थोड़ा गुस्से हो गए उनको ताकि थोड़ा मनाना पड़ेगा बट कोई नहीं बट कभी कोई गाली सी वो देखो।